और गुरुदेव सिंह गिरफ्तार सहयोगी है। ये मोटी खबर जोधपुर मिल रही है। जैसे आप देख पाओ कि तस्वीर रमाए जो ट्रक नाजायज दारू भरियोड़ो और जिसके माँ दो गिरफ्तारियां थे फ्रीगी है और ये दारू गुजरात ले जाई जा रही ही, जिनमें रास्ते में ही कार्रवाई करता गया दो ने पुलिस धर दबोच। बरोड थाना रे गांव कांकर दोपारा खेत में बनियोड़ा कुआं में एक मोटियार और छोरी री लाश मिली है। सूचना रे पाछे मौका माले पुगी पुलिस गांव वाला री मदद सु दोनों लाशा ने बारे काडियो। मोटियार री पहचान गांव नांगल खोडियारा देवेंद्र यादव रूप में भी है और छोरी री अबार पहचान कुनी वे सकी है। छोरी कोई दूजा राज्य री होबड़ो मानो जा रही है। पुलिस लाश अबार मूर्छी में रखवाई है। गांव वाला बतायो कि छोरो देवेंद्र अरा छोरी दोनों ही साबुन बनावारी फैक्ट्री में काम करता दोना रही कुआं में गिरबारा कारण हालताई इरो कोई बेरो पड़कोन पायो है। पुलिस अबार मामला की जांच में माए दूरी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राज्य ने सातवां वेतन आयोग रो मोटो फायदो देवन रे तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा रे बजट सत्र री शुरुआत रे सागे ही आयोग री सिफारिश री समीक्षा शुरू सारू राज्य में कमिटी अटे बनाए दी है। रिटायर्ड आईएएस अफसर डीसी सावंत की अध्यक्षता में ई सारू कमिटी बनाई गई है। आ कमिटी 3 महीना में सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंप सी। कमिटी की सिफारिश रे आधार रे माले राज्य सरकार 8 लाख से बत्ती सरकारी कर्मचारी ने पेंशन धारिया ने की फायदो देवेली। कमिटी आयोग की सिफारिश लागू करने में आ रही विसंगतियां ने दूर करना सारू भी सरकार ने मामले में भी राय देवेली। सरकार वार्ताएं जो अनुमान लगायो है उनके हिसाब आयोग की सिफारिश लागू करने वाले तकरीबन 10,000 करोड़ रो भार सरकार ने मिले सरकारी जेब मत है। हारियो जम्मू कश्मीर में शहीद व्या करोलीरा लाल विकास कुमार गुर्जर रो विनारे गांव आंधिया खेड़ा में राजकीय सम्मान रे सागे अंतिम संस्कार करियो गयो। इसु पहली विकास कुमार री देह जयपुर सो विनारे गांव पुगी। शहीद री देह आपता ही शहीद रे परिवार वाला घना बिड़कवा लाग गया। मौका माथे मौजूद लोगारी आंखियां भी अटह टपकन लाग गई। हजारा री गिनती में लोग शहीद रा आखिरी दर्शन करबा सारू अटे पुग गया। शहीद री आखिरी यात्रा के दौरान शहीद रे अमर रेवन रे नारा रा नारा भी अटे लागता रिया। आपने बता देवा कि आतंकवादियां जम्मू कश्मीर में सेना माथे हमलों कर दियो हो जिनमें विकास समेत 3 सेना रा जवान शहीद हो गया। 25 साल रा विकास 23 राजपूत यूनिट में तैनात था। पणवे अबार 444 RR सोपुर में आपरी सेवा दे रहा और देश री रक्षा सारू वे आपो बलिदान दे दियो। शहीद विकास री शहादत ने पूरो देश नमन कर रहा है। उदयपुर संभाग रे ग्रामीण इलाका रा परिवहन इंतजाम चोखा करवा सारू राज्य सरकार 168 नया गेड़ा सारू मंजूरी जारी करी है। सरकार से मंजूरी मिलन रे सागे ही परिवहन महकमो गेला माथे गाड़ियां चलावन सारू तैयारियां शुरू कर दी है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एमएल रावत बतायो कि बजट सत्र में सरकार नया गेड़ा शुरू करवा री घोषणा करी है। इमाथे महकमा कानी सु 234 गेड़ा रो सर्वे करियो गयो जिनमें सु सरकार री कानी सु 168 माथे आपनी मंजूरी जारी कर दी गई है। महकमा ई सारू निजी बस चलावन वाला जो लोग है उनसु आवेदन मांगिया है। नया मंजूर व्या गेड़ा माथे गाड़ियां चालन सु संभाग कई ग्राम पंचायत रा जो लोग है विकास जिला मुख्यालय सारू सीधो संपर्क हो जावेला और कई गांव जिला मुख्यालयों से सीधा जुड़ जावेला। अविनाश जगनावत साहब जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया उदयपुर। अविनाश ये मोटी समस्या ही उदयपुर संभाग री और या समस्या रो हल यू नई बसा रे साथ हो सके।
जी बिल्कुल राहुल, मैं बता दूं आपने कि सरकार बजट में घोषणा की थी वतावाद परिवहन वाला जो है ना पूरा रूट सर्वे की जो हो, और वतावाद 168 जो है बड़ा नया रूट जो है घोषित किया है। बड़ी में उदयपुर में 58 नवा रूट जो गांव में जो जिला मुख्यालय में जोड़ेगा वे 58 रूट उदयपुर रहे। बिंदरपुर 30 नया मार्ग है जे चालू रहेगा। बांसवाड़ा में 26 है और सब वधारे जो ज्यादा मार्ग जो है वे है राजसमंद में मिले 95 जो है वे मिले। तो यूं करें जो गांव की जो परिवहन व्यवस्था जो काफी लोगों ने आवाज आवा में परेशानी देखी एम पे वे टूट नहीं पाता और वनारे जो परेशानी होती तो ये अणा मार्ग पे जो नया जो वाहन चलेगा वहां पे उन्होंने काफी जो है वो राहत मिलेगा। जी राहुल मैं अविनाश का घना शुक्रिया आपका जानकारी खातिर। अविनाश साज मीडिया संवाद है जानकारी उदयपुर हूँ पूछा। एमएलए चंद्रकांत मेघवाल और पुलिस रे बीच होयो रोड़ा अब्दुल भी अटे पकड़ लियो है। अनिज मामला रे माए आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और प्रभारी मंत्री प्रभुलाल सैनी आज कोटा रे माए आया। परनामी और सैनी अटे खाकी और खादी रोल ने लेर सुजावा सारू कोटा पुग्या है। परनामी और सैनी अटे लाठीचार्ज में घायल कार्यकर्ता से मिलिया। सागी कार्यकर्ता और पदाधिकारियां सागे बातचीत कर मामले की जानकारी ली। इधर पाछे में पुलिस अधिकारियां से भी बात कर उनरो पक्ष भी जानियो। अठे इन बखत खासी रोल माचगी कार्यकर्ता एमएलए ने सही पुलिस ने गलत बतायो। परनामी अठे सही बात नहीं सीएम राजे तक पुगाबारी बात करी। मैं आज मेरे यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने आया था, कार्यकर्ताओं से इस पूरा घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए आया था। वो मैंने जानकारी सभी कार्यकर्ताओं से मिल करके मैंने ली है। जिन जिन कार्यकर्ताओं को चोटें लगी हैं, जिन जिन कार्यकर्ताओं के अपने सर पे चोटें लगी हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके आया हूँ, उनसे बातचीत करके आया। उठे विधायक और पुलिस री राडरा मामला री समीक्षा सारू भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सागे कोटा पुग्या। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी कियो कि हरेक कार्यकर्ता री बात सुनी जगी है, पूरा मामला माथे मुख्यमंत्री री नजर है और वे इन्हें लेर गंभीर है। पुलिस री बात भी वे सुना है और इरी रिपोर्ट वे तैयार कर रहा है पछे ये रिपोर्ट सरकार ने हमें रखी जा बड़े। कोटा में जो घटनाक्रम हुयो वो बड़ो चिंताजनक और निंदाजनक है। आज प्रदेशाध्यक्ष जी मैं अठन आया हाँ, सारे कार्यकर्ता जितना लोगों ने चोटा लागी है सबसे मैं बात करी हाँ, और बात करवा के पाछे जो मन पतो लागो तो वास्तव में जिस प्रकार की घटना जो बता रहा अगर वह घटी तो बड़ी चिंताजनक घटना है। इन्हें गंभीरता से सरकार लेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी आगे सारी बात नजार में बताऊंगा और बतावा रहे बाद में ये सारा का सारा जो प्रकरण है 5 प्रकरण जो भी दर्ज हुआ है वो सारा प्रकरण सीआईडी में तफ्तीश के लिए भेजे यानी कि मुख्यमंत्री जार में रिपोर्ट देगा ताकि मामला की निष्पक्ष जांच यहाँ पुलिस अधिकारियों से हटा और जयपुर अधिकारी को माई जांच दी जाओ ली ताकि दूध को दूध पानी हो ही जाओ लो और जो जो गलतियां करी जो जो अपराध करो जो कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार को लाठीचार्ज करो सबरो न्याय संगत कार्रवाई करेगा सबने न्याय देगा। उठा दूजी और कोटा में महावीर नगर रे झमेला रे मामला रे माए थानेदार श्रीराम रो समर्थन बढ़तो जा रहे है। विधायक की गिरफ्तारी मांग ले तकरीबन एक दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ता पानी की टंकी माथे चढ़ गया। थानेदार ने पाछो अठे लगावन रे सागे ही लोगा विधायक रे खिलाफ कार्रवाई की मांग अठे करी पण लोग भूल गया कि कांग्रेस सरकार री बखत वकील एसपी रो जबड़ो तक तोड़ दियो पेड़ भी बैंगन खावो दूजा ने पच बतावे। उठे कोटा रे झमेला रे मामला में भाजपा रे प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भाजपा कार्यकर्ता की बैठक ली। प्रभारी मंत्री प्रभुलाल सैनी विधायक हीरालाल नागर विधायक प्रहलाद गुंजल विधायक संदीप शर्मा विधायक भवानी सिंह राजावत समेत पार्टी का कार्यकर्ता इस दौरान इतने मौजूद रहा। प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सगली घटना की जानकारी ली। इस दौरान परनामी कियो कि मामला में न्याय हो गए और कोई भी कार्यकर्ता सागे गलत कोई होवण दियो जाए।
हिमांशु मित्तल जुड़ गया, सम्राट हमारे साथ जुड़ गया, कोटा हूँ जानकारी हिमांशु से लेवा। हिमांशु साहब आज परनामी सार सैनी साठ पूग गया, पूछ रहा कार्यकर्ता हूँ और जटे आप देखा कई रोलो भी हो बी के बाद में कह रहा कि पुलिस में बातचीत वेगा उठे कोई हुए ऐसा पुलिस में बात भी है कार्यकर्ताओं बात भी जद कोई हुए होते। राहुल साहब बता दें आपको कि कोटा खाकी वर्सेज खादी इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और प्रभुलाल सैनी ने मीडिया से बात की है और इस पूरे मामले में कार्यकर्ताओं को सुन लिया गया है, पदाधिकारियों को सुन लिया गया है, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको सुन लिया गया है। पहले बैठक हुई थी जिसमें कार्यकर्ताओं को सुना गया था, दूसरी बैठक में पुलिस के अधिकारी कोटा एसपी कोटा रेंज के आईजी खुद कोटा के जिला कलेक्टर तमाम समेत सभी पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने जो कहा उस पूरे फीडबैक को नोट किया गया, पुलिस ने जो कहा उस पूरे फीडबैक को नोट किया गया। अब अशोक परनामी ने कहा है कि इस पूरे फीडबैक को वो सीएम के सामने रखेंगे, उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मामले में चल रही है जिसकी रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी और इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाह साहब हिमांशु मित्तल साहब बहुत शुक्रिया आप जानकारी खातिर। हिमांशु मित्तल जी संवाददाता जानकारी दे रहा। पोखरण में जैसलमेर रे गेड़ा माथे हादसों भी गया है, सेनारी गाड़ी पलटी खा गई, हादसे में सेनारा तीन जवान अटे घायल हो गया, घायला ने पोखरण सफाखाना पुगा गया है, शुरुआती इलाज के पाछे घायल जवाना ने जोधपुर रेफर कर दियो गया है। मोटो हादसों पेश आयो पोखरण और जैसलमेर रे वच में जटे सेनारी गाड़ी पलटी खा गई, तीन सेनारा जवान इरमा घायल हो गया। पहली तो पहले यानी पोखरण सफाकान में भर्ती कराया गया एट फर्स्ट एड हो पचे घायल जवाना ने जोधपुर रेफर कर दिया। और राजीव गौड़ जी मीडिया संवाददाता हमारे संगे हिदा जुड़ गया है जोधपुर जानकारी लेवा। राजीव साहब कोई हो कि करो हादसों पेश आयो और अब आर कोई स्थिति ऐसा देखो सबसे बड़ी बात है और जो पोखरण में जो हादसा हो उनमें जो तीन जो जवान जो है घायल हुए वहां जोधपुर रेफर कर दिया है और उठे वहां इलाज पीछे चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि मौका बात है उन टाइम जो लोग पहुंच गया था इन्हें साबुन बचा लिया गया है, अब खतरों बारे बताई चाहिए। हुक्म यू बताया गया कि यो हादसों भी है यू कोई जानकारी मिल रही है ऐसा की करो यो हादसों और कई खतरा में है जान तीन ही जवाना दी। देखो तीन जवानों जो हादसों हुए और निश्चित रूप बड़ो विदारक हो मगर वे लोग घायल है और वहां इलाज चल रही है, खतरों जो किया बारे बताई चाहिए। वाह राजीव सर धन्यवाद आप जानकारी खातिर। राजीव गौड़ साहब जी मीडिया संवाददाता जानकारी दे रहा बटे इलाज चल रहे है, खतरों बार जान बार बताई जा रही है। छोटो सो ब्रेक ले रहा पाछा लौटा। चमुरा मुख्य बस स्टैंड माले नगर पालिका का खास दरवाजा माथे देगू ने जमर रोड़ो माचो, नशा में धूत एक नशेड़ी आदमी एक दिव्यांग री उनरी बैसाखी सो जमर कुटाई कर दी। घनी देर ताई दोन्यारे बिचाले झमेलो चालतो रियो पण कोई मदद सरू आगे आयो कोनी। नगर पालिका का खास दरवाजा बारे भी घटना रे पाछे भी नगर पालिका का कर्मचारी बारे आया कोनी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद होगी। आप तो फिर आप देख सकते हो एक अपाहिज आदमी है जिसको जिसकी बेसा की छीन रही उनकी पिटाई उनकी पिटाई कर रहे हैं, ये नशेड़ी बताया जा रहा है। और हृदय ने परेशान करने वाली ये तस्वीर हमें आई है। चोमू जठे मेन बस स्टैंड माते नगर पालिका हमेर खास दरवाजे हमें घटना घटी पर कोई अटे या विकलांग ने बचावन खातिर आगे आयो को। प्रदीप सोने जी मीडिया संवाद में साथ जुड़ गया है। प्रदीप सा कोई होयो सा उठे पूरा घटनाक्रम है तो पूरा मुख्य बस स्टैंड रो बताया जावे बठे नगर पालिका का गेट के सामने एक नशेड़ी दिव्यांग री जमर पिटाई करी है। खास बात ही कमाई ने अभी देखवाने मिली है कि अठे
जो दिव्यांग है बेकी बैसाख्या नब्बी सुखोश और बेसो यू मारपीट करी गई है और पूरा मामलो अब विधायक रे संज्ञान में लियो गयो है। विधायक रामलाल शर्मा जो है वो कहो है कि की खातिर पूरी कार्रवाई करी जावली, प्रशासन ने इसका निर्देश दिया गया है। लेकिन देखो शुक्रिया आप जानकारी खातिर प्रदीप जी मीडिया सुनना चाहूँ, जानकारी दे रही है आपके प्रशासन इन्हें लियो गंभीरता हूँ और उम्मीद कर रहे हैं आप की कार्रवाई हटे वेल। और हेंगू मोटी खबर है मारवाड़ू जटे बीकानारा जाना माना नेता देवी सिंह भाटी ऐलान करियो है कि वे सियासत सु संन्यास ले रिया है। ई बात रा संकेत वे दे रिया है, बीकानारा कद्दावर नेता है देवी सिंह भाटी, 7 बार विधायक रिया है वे कोड़ा है तू। देवी सिंह भाटी यो कियो है कि वो कसियो भी चुनाव अबार आवाले टाइम में वे कोई लड़ेला और किसी दूसरी पार्टी बनावर अभी संकेत वे कौन दे रहा है। आपने बता दे कि पहली एक पार्टी बनी है सामाजिक न्याय मंच की जिन मायने देवी सिंह भाटी की अगुवाई करता 7 बार कुलाय क्षेत्र में विधायक रेवड़ा है लालीदान बिहार गया। राजीव गौड़ साहब जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया जोधपुर में, जानकारी राजीव लेवा। राजीव साहब ये मोटो फैसलो है और अगर इरे माए की सच्चाई है तो पचे यो एक मोटी खबर है मारवाड़ी बीकानारी राजनीति खातिर। देखो राहुल साहब आज केवल मारवाड़ और बीकानेर की खबर नहीं, पूरा राजस्थान रे वास्ते, राजस्थान से जिका बारे जिका लोग है आरक्षण की लड़ाई में उन टाइम जिका देव सिंह भाटी ने साथ दियो वहां वास्ते भी बहुत चौंकने वाली खबर है। और सबसे बड़ी बात है कि आ ऐलान करिया रे पछे इन वक्त जो देव सिंह जी भाटी अपने सागे है जी मीडिया के साथ बात कर रही है वहां खुद जाना खुद बात करा कई ऐसी कई वजह आई कि आप राजनीति से अलग होने की बात सोच रही हो। देखिये आरक्षण की लड़ाई भी जिकी न्याय मंच माध्यम से लड़ी बी दिना में भी आज दिमाग में आई कि सब आरक्षण की व्यवस्था करिए लेकिन ओ न्यायिक आरक्षण को नहीं, एससी एसटी ने आरक्षण मिलो एक ही घर एक ही परिवार रामलाल अगर बन गए तो रामलाल का बेटा और पोता सगा आईएएस आईआरएस डॉक्टर इंजीनियर वही वही बने और नंबर को नहीं पास होने वाला तो भी बन रहा। जब मन लगे कि व्यवस्था में न्याय आम आदमी ने मिले को नहीं और जब हमारे मन में आई कि नहीं दिशा परिवर्तन वास्ते अपन कुछ करना चाहिए, आरक्षण की लड़ाई लड़ी गोचर ओरण तालाब आगोर बीर वास्ते बरसान अबार पश्चिमी राजस्थान में लगोड़ा और अब भी मन लगे कि भाई आ धीरे धीरे जो कंपनी राज हो कॉरपोरेट हो पूरी दुनिया रे माए अब 5 पैसा की गोली है 5 रुपया में बेच रहे हैं तो आम आदमी ने तो ऐसा सकनी को देनी तो ना हमारे खेल हॉस्पिटल है ना कोई डॉक्टर है ना पैरा मेडिकल स्टाफ है तो मारो इलाज क्या हो रहा, भीड़ बढ़ती जा रही है प्राइवेट में सरकारी में। जब मैंने लगे कि नहीं अपा खने विधि देर गया अपना पूर्वज ऋषि मुनि चिकित्सक ऐडा ऐडा वैद होया तो क्यों नहीं जठे आंगन रसोई दे माई अपनो इलाज हो सके क्यों अस्पताल का गोता खावा। जब मैंने लगे कि भी लागना चाहिए इरे माए राजनीति रे माए तो देख रहे लियो 40 साल में राजनीति में रहे हो लेकिन मैं मारो किसो बताऊं 28 साल पहले एक आईपीएस के खिलाफ मैं मान हानि रो दावो करो 2.5 महीना पहले मारी लोअर कोर्ट में पहले कोर्ट में गवाही हुई है संपादक मर गयो प्रकाशक मर गयो पत्रिका माया बंद होगी कई गवाह मर गया अरे इतना कोर्ट पगोछिया पड़िया है मैं कद पहुंचू मार कद नहीं मारो तुम नाक पटी कटी गए और अब मारो कद नाक पूरा लगेला। अब आप मान चालक अब आप राज और जो चोर है चेहरो है वो राजनीति में दिखाई कौन दे वाला नहीं राजनीति में एक कोई छाप और मोर को नहीं कि ओ कदम उठाया तो राजनीति है राजनीति हर परिवार अंग सब जगह खेत में भी है सब जगह है लेकिन सवाल हो कि अतंत्र है जिको कॉरपोरेट्स है जिको बड़ी बड़ी कंपनियां मिल रहा साजिश पूर्ण तरीके से दियो है पूरे दुनिया ने ये प्रजातंत्र है मैं आप रे जीवन काल में जिको देवी सिंह भाटी का कह कौन रहा है कि वे रिटायरमेंट ले रहा है सिनेमा हॉल में वो यू कह रहा है कि आप देख कौन सको कि ये है ये नहीं है ये है वह ठीक है। देवी सिंह जी भाटी साहब लंबा वर्षा हूं राजनीति कर रहा है और यूं एक दंड में वे राजनीति छोड़ कौन सके ये भी आप जान रहे हैं। राजीव आप शुक्रिया, देवी सिंह जी भाटी का भी शुक्रिया करा आपका आप हमारे आगे जुड़वा रहे खातिर। ब्रिटेन मित्रों राम राम साहब।